मोदी का ऐलान, उड़ा दो पाकिस्तान। रॉकी मित्तल के गाने ने बढ़ाया देश का जोश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार प्रचारक रॉकी मित्तल एक बार फिर से अपने गाने से धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध और देश के माहौल को देखते हुए रॉकी मित्तल ने इस बार भारत पाकिस्तान युद्ध पर अपना गाना बनाया है। हर बार की तरह इस बार भी रॉकी मित्तल के बोल जहां विरोधियों पर तीर की तरह चुभते हैं, तो दूसरी तरफ युवाओं के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। रॉकी मित्तल ने इस गाने के बोल है मोदी का ऐलान, उड़ा दो पाकिस्तान है। भारत पाकिस्तान के बीच आपसी एयर स्ट्राइक के बाद इस गाने को पूरे देश में काफी पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा इस गाने में रॉकी मित्तल ने नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए तीखा हमला किया है। गुरुवार को यूट्यूब में गाने की लॉन्चिंग करते हुए रॉकी मित्तल ने बताया कि उनके पास हजारों की संख्या में पब्लिक की व सैनिक भाइयों की मांग आई थी कि भारत पाकिस्तान के युद्ध पर गाना बनाया जाए। भारत के पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के 10 दिन पहले ही रॉकी मित्तल ने इस गाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। रॉकी मित्तल ने इस पर कहा कि उन्हें पहले से ही पता था कि आने वाले समय में इस तरह की घटना होने वाली है। इससे पहले उन्होंने मोदी के पीएम बनने और सिद्धू के पाकिस्तान एजेंट होने की बात कही थी। रॉकी मित्तल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वास्तव में आतंकवाद और कश्मीर समस्या का असल जिम्मेदार कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू हैं। उन्होंने अगर सही समय पर सही फैसला ले लिया होता तो आज हमारे देश को इस तरह की आतंकवादी घटनाएं और कश्मीर समस्या देखने को ही नहीं मिलती। रॉकी मित्तल ने नवजोत सिद्धू को भी एक बार फिर निशाने पर लिया है। उन्होंने अपने गाने में साफ कहा कि नवजोत सिद्धू को पाक भगा दो। रॉकी मित्तल का इस पर कहना है कि वास्तव में नवजोत सिद्धू ने पूरे भारत के साथ गद्दारी की है। उन्होंने पिछले 6 महीने में जिस तरह से पाकिस्तान परस्ती की जो हरकत की है, उससे भारत के बॉर्डर पर खड़े सैनिकों को काफी दुख हुआ है। सिद्धू की नापाक हरकतों को माफ नहीं किया जाएगा।